आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर पहुंचे। शनिवार की देर शाम सर्वप्रथम भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मंदिर में पहुंचने पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उन्हें सम्मानित किया। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने मंदिर में पूजा अर्चना की और श्री श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन भी सुना। मंदिर में उनके साथ कुलटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, वरिष्ठ भाजपा नेता अमरनाथ केसरी, रानीगंज शहर मंडल के अध्यक्ष देवजीत खां, महासचिव रवि केसरी, दिनेश सोनी और राहुल घोष समेत काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ रविवार को बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया शिशु बगान स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरुद्वारे में पंजाबी नव वर्ष बैसाखी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तरफ से सम्मानित किया गया। श्री श्याम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने कहा कि वे यहां के भूमि पुत्र है और रानीगंज थाना क्षेत्र के ही जेके नगर में उनका जन्म हुआ था। वे पिछले लगभग 34 वर्षों से सांसद हैं। 12-12 वर्षों तक वे बिहार और झारखंड से सांसद रहे, जबकि दार्जिलिंग और बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र का 5-5 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। इस मंदिर में श्याम मंदिर में अपना शीर्ष निर्माण किया है। मेरे को एक प्रकरण याद आ गया। मैंने कहा कि मैं आपसे साझा करूं। मैं रहने वाला रानीगंज का ही हूं। मेरा जन्म रानीगंज के थाना के अंतर्गत ही जेके नगर में हुआ था। पिछले 34 वर्षों से विभिन्न जगह का सांसद रहा। 12 साल बिहार का, 12 साल झारखंड का, फिर दार्जिलिंग से लोकसभा का, फिर अभी मैं वर्तमान में दुर्गापुर का सांसद हूँ। और इस बार हमें कहा गया है कि मैं आसनसोल से चुनाव करूँ। सिर्फ इनको एक बार दिल से पुकारने की जरूरत है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा। हम लोग जब गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो उस वक्त हमें इस माधव की याद आती है और हमारे सारे कीर्तन कथा में माधव आते हम लोग याद करते हैं। तो इसीलिए मैं जब रानीगंज छोड़ा था तब श्याम मंदिर में। आज जब रानीगंज में आया हूं कई सालों बाद तो श्याम मंदिर देखकर मैं अभिभूत हो गया। विप्लव वादकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस MJMI हॉस्पिटल। लायंस MJMI हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहां भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस MJMI हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं।
मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजीएम आई हॉस्पिटल, एनएसबी रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 03412445205, 2443205, 2445242।